नमस्कार, स्वादिष्ट फूड्स में आपका स्वागत है। आज हम सैंडविच बनाएंगे। ऐसे तो सैंडविच सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनाकर आपको दिखाएंगे। चलिए इसे बनाना कैसे है अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन को गैस में बैठाएंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच राई डालेंगे, यानी कि सरसों डाल देंगे। जब सरसों चटक जाए तो इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। 2-4 कड़ी पत्ता हमने तोड़ करके इसमें डाल देंगे। जब यह सब चटक जाए तो इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज कट करके रखे हैं, छोटा छोटे साइज़ में, इसको हम डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। जब प्याज हल्का भुन जाए इसमें हम 2 हरा मिर्च जो हमने कट करके रखे हैं उसको हम डाल देंगे। ऐसे तो सैंडविच बनाने में कोई झंझट नहीं है, तुरंत बन जाता है सैंडविच। जब मन किया, अगर नाश्ता में चपाती खाने का मन नहीं किया या बच्चे लोग को शाम में हल्का फुल्का भूख लग जाता है तो उस टाइम हम लोग सैंडविच बना सकते हैं। हमने 1 चम्मच लहसुन डाले हैं, इसको भी हम हल्का भून लेंगे। देखिए हमने हल्का भून लिया है। अब इसमें हम 4 मीडियम साइज़ के आलू हमने मैश करके रखे हैं, इसको उबाल करके मैश कर लिए थे, अब इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम प्याज में मिला देंगे और इसमें 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। और उसके बाद हम इसमें 2 मिनट के बाद इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच अपने हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अपने जैसा तीखा खाना चाहे वैसा डालें स्वाद अनुसार। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको करीब हम 5 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट हो चुका है। इसमें हमने धनिया पत्ता कट करके रखे थे उसको हम मिला लेंगे। हमारा सैंडविच का मसाला जो है बिल्कुल बंद करके तैयार है। इसको हम निकाल करके रख लेंगे और इसमें हम उतारने के समय इसमें हम अपना स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक को हम लास्ट में ही डालेंगे। हमारा आलू का मसाला तैयार हो गया, इसको हम निकाल कर रख लेंगे। अब हम 2 ब्रेड लेंगे। अब हम अपना हरा चटनी, धनिया का चटनी हमने पीस करके रखा है, इसको हम लगा देंगे और 1 ब्रेड में लगाएंगे टोमेटो सॉस, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। बच्चे लोग के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस बनाइए और खाइए। इसके साथ कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। खट्टे मीठे लगेंगे खाने में, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हमने जो मसाला तैयार किए हैं आलू का, अब उसमें हम लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से हम लगा करके इसके बाद हमने सॉस का जो ब्रेड लगा कर रखे हैं इसके ऊपर से हम लगा देंगे अच्छी तरह से। इसी तरह करके हम और ब्रेड सब भी जो अपना जितना ब्रेड रखे हैं सब इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। देखिए पहले हरा चटनी हमने लगाए हैं, फिर टमाटो सॉस लगाए हैं। आपके पास अगर लाल चटनी है तो आप लाल चटनी भी लगा सकते हैं, इससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। इसके साथ आप आसानी से बना सकते हैं। घर में कोई भी चटनी रहे आप उसमें लगा दीजिए और इसके ऊपर से आलू का जो मसाला है उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद खाने का टेस्ट देखिए दुगुना बढ़ जाता है। अब अपने पैन को गैस में हम बैठाएंगे। जब गैस पैन गर्म हो जाए तो उसमें हम अपना बटर डाल देंगे। बटर के ऊपर हमने जो ब्रेड तैयार करके रखे हैं सैंडविच के लिए उसको डाल देंगे। उसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि हमारा दोनों तरफ अच्छी तरह से बटर लग जाए। इसी तरह करके हम सारे सैंडविच को सेक लेंगे। देखिए हमारा सब सैंडविच बन करके तैयार हो गया है। तो जब भी मन किया आपको आसानी से आप घर में कुछ ही सामानों से बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बन करके रेडी हो गया। अब हम आपको इसको कट करके दिखाएंगे कि कैसा बना है, अंदर में कैसा इसका फीलिंग हुआ है। देखिए अंदर में कितना अच्छा इसका फीलिंग हुआ।
ये देखने में कितना अच्छा और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।